यमुना नदी में एक विशाल झील थी जिसमें कालिया नाग रहता था। उसके विष से पूरा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उनमें से 2400 घंटे विषैली भाप निकलती रहती थी। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से भूल से भी निकलता था तो वो तुरंत मरकर जल में गिर जाता था। यमुना के भाप के विषैले प्रभाव के कारण यमुना नदी के तट पे जो वृक्ष थे वो भी सूख गए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली नदी पूरी घातक बन चुकी थी। वो कृष्ण जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लिया था तुरंत यमुना तट स्थित एक विशाल कदंब वृक्ष पर चढ़ गए। कदंब एक गोल पीले फूल वाला वृक्ष है जो केवल वृंदावन क्षेत्र में ही देखा जाता है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फेटा कसा और पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोक कर वो उसी विशाली झील के बीचों बीच कूद पड़े। कृष्ण जिस कदंब वृक्ष से कूदे एकमात्र वही वृक्ष था जो सूखने से बचा हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वो वृक्ष तुरंत जीवित हो उठा। बाकी पुराणों में कहा गया है कि विष्णु के शाश्वत वाहन गरुड़ को पता था कि भविष्य में कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे, इसलिए उसने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया था। कृष्ण ने तैरते हुए एक विशाल बलशाली हाथी के समान गर्जना की जिसे कालिया नाग ने सुना। ये गर्जना उसके लिए असहनीय थी और उसे समझते देर ना लगी कि ये उसके आवास पर आक्रमण करने का प्रयास है। इसलिए वो तुरंत कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि कृष्ण सचमुच दर्शनीय है, बेहद आकर्षक है। कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद कालिया अपने मन में अत्यंत क्रोधित था, इसलिए उसने अपनी कुंडली में कृष्ण को दबोच लिया। कृष्ण को इस तरह सांप की कुंडली में बंधा देखकर ग्वाले और वृंदावन के अन्य वासी अत्यंत भयभीत हो उठे। उन्होंने अपना सब कुछ, अपने प्राण, संपत्ति, प्रेम, कार्यकलाप कृष्ण को अर्पण कर रखे थे। कृष्ण को उस स्थिति में देखकर वो अत्यंत डर गए और भूमि पर गिर पड़े। डर के कारण वो केवल रो सके, वो अपने प्यारे कृष्ण की सहायता नहीं कर सकते थे, केवल यमुना के तट पर खड़े रहे। जब ये घटना यमुना तट पर घट रही थी तो कुछ अपशकुन भी प्रकट होने लगे। पृथ्वी हिलने लगी थी, आकाश से उल्कापिंड गिरने लगे थे और मनुष्यों के शरीर के बाएं अंग कांपने लगे थे। इन अशुभ संकेतों को देखकर नंद महाराज के साथ सारे ग्वाले भयवश अत्यंत चिंतित हो उठे। उसी समय उन्हें सूचित किया गया कि कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना चरागाह गए हैं। जैसे ही नंद, यशोदा और ग्वालों ने यह खबर सुनी तो वो और अधिक चिंतित हो उठे। वृंदावन के सारे वासी कृष्ण को देखने के लिए गांव के बाहर आ गए। इस मंडली में बच्चे, युवक तथा वृद्ध, स्त्रियां, पशु सारे जीव थे। वो जानते थे कि कृष्ण ही उनका एकमात्र जीवन आधार है। जब ये सब घटना घट रही थी तो समस्त ज्ञान के स्वामी बलराम खड़े खड़े हंस रहे थे। उन्हें पता था कि उनका छोटा भाई कृष्ण कितना शक्तिशाली है और जब कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो चिंता की कोई बात ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्वयं इस चिंता में कोई भाग ही नहीं लिया। दूसरी ओर वृंदावन के सारे वासी जो विचलित होने के कारण कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगे थे और इस तरह ढूंढते ढूंढते वो तेजी से यमुना तट की ओर आगे बढ़े। कृष्ण को कालिया नाग की कुंडली में बंधा देखकर वो सब हैरान हो गए। उनके विलाप पर बलराम हंस रहे थे, किंतु सारे ब्रिजवासी तो दुख के सागर में निमग्न थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि कृष्ण का अंत हो चुका है। वृंदावन वासी कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते थे, लेकिन कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। जैसे ही उन्होंने देखा कि कृष्ण कालिया नाग की कुंडली में बंधे हैं और सारी गायें तथा बालक विलाप कर रहे हैं तो उन्हें कृष्ण की मैत्री, उनका हंसमुख चेहरा, उनके मीठे शब्द और अपने साथ उनके व्यवहार की बातें याद आने लगी। ये सब सोचते हुए और ये सब देखकर कि कृष्ण अब कालिया नाग के चंगुल में फंसे हैं, उन्हें तीनों लोक शून्य प्रतीत होने लगे। जब माता यशोदा वहां आई तो वो यमुना नदी में घुसने लगी। जब लोगों ने उन्हें रोक दिया तब वो मूर्छित हो गई। नंद महाराज और अन्य सारे लोग जो कृष्ण पर अपने प्राण न्योछावर कर रखे थे यमुना जल में घुसने को आतुर थे।
लेकिन बलराम ने उन सबको मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्ण को किसी तरह का संकट नहीं है। 2 घंटे तक कृष्ण सामान्य शिशु की तरह कालिया की कुंडली में बंधे रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सारे वृंदावन वासी उन्हें देखकर बहुत परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। वो अपने शरीर का विस्तार करने लगे और जब कालिया ने उन्हें पकड़ के रखना चाहा, तो उसे काफी खींचतान करनी पड़ रही थी। इस जोर के कारण उसकी कुंडली शिथिल पड़ गई और अब उसके पास भगवान कृष्ण को छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह गया था। तब कालिया अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने विशाल फन फैला लिए। उसने अपने नथुनों से विषैली फुत्कार दी। उसकी आंखें अग्नि के समान दहक उठी और उसके मुख से ज्वाला निकलने लगी। वो विशाल नाग कुछ काल तक शांत भाव से कृष्ण को देखता रहा। कृष्ण तुरंत उस पर टूट पड़े, जिस प्रकार गरुड़ सांप पर झपटता है। इस प्रकार हमला किए जाने पर कालिया ने कृष्ण को दसना चाहा, लेकिन कृष्ण उसके चारों ओर घूमने लगे। कृष्ण और कालिया दोनों के चक्कर काटते रहने से सर्प धीरे धीरे थकने लगा और उसका बल घटने लगा। कृष्ण ने तुरंत सांप के फनों को नीचे दबाया और झट से कूदकर उन फनों पर चढ़ गए। फिर नृत्य जैसी संपूर्ण कलाओं के मूल भगवान कृष्ण सर्प के फनों पर नाचने लगे, जो इधर उधर हिल रहे थे। ये देखकर स्वर्ग के निवासी उन पर पुष्प की वर्षा करने लगे, शंख नाद होने लगे और विविध प्रकार की बांसुरियां बजाकर गीत तथा स्तुतियां गाने लगे। जब कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे, तो उसने अन्य फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कालिया के लगभग 100 फन थे, लेकिन कृष्ण ने सबको अपने वश में कर रखा था। वो उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे, जो कालिया के लिए असहनीय हो रहा था। धीरे धीरे कालिया के प्राणों पर आ बनी। वो अब सभी प्रकार का मल विमन करने लगा और अपनी फुत्कार से अग्नि निकालने लगा। इस प्रकार अपने भीतर से विषैले पदार्थ निकाल निकाल कर कालिया पापमय स्थिति को प्राप्त हुआ। वो अत्यंत क्रोध से आत्मरक्षा के लिए संघर्ष करने लगा और भगवान को मारने के लिए उसने अपना एक फन उठाया, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर पाद प्रहार द्वारा वश में कर लिया और उस पर नाचने लगे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान विष्णु की पूजा हो रही हो। सर्प के मुख से निकल रहे विष पुष्पांजलि से प्रतीत हो रहे थे। फिर कालिया अपने मुख से विष के स्थान पर रक्त वमन करने लगा और बुरी तरह थक गया। उसका सारा शरीर भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा। इसलिए वो अंत में समझ गया कि कृष्ण श्री भगवान है और वो उनकी शरण में आया। उसे अनुभव हुआ कि कृष्ण ही सबके स्वामी परमेश्वर है। तब सर्प पत्नियों ने देखा कि उनका पति उन भगवान के पाद प्रहार द्वारा वशीभूत किया जा चुका है और अब वो मरने वाला है। कालिया की पत्नियों ने जल्दी जल्दी भगवान की पूजा करने की तैयारी की। उन्होंने भी भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वो अपनी अपनी संतानों को सामने लाई और यमुना के तट पर पृथ्वी पर गिर कर उन्हें प्रणाम किया। नाग पत्नियां जानती थी कि कृष्ण समस्त शरणागतों के शरण है और वो अपनी प्रार्थनाओं द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को संकट से छुड़ाने के लिए इच्छुक थी। नागपत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप समदर्शी हैं। आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों या शत्रुओं में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आपने कालिया को जो दंड दिया है वो सर्वथा अनुकूल है। हे स्वामी, आप दृष्टों के संहार के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए हैं और क्योंकि आप परम सत्य हैं, इसलिए आपकी कृपा और दंड इनमें कोई भेद नहीं है। हम सोचते हैं कि काले को दिया गया दिखने में दंड लगने वाला ये दंड वस्तुतः कोई वरदान है। हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझती हैं, क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो उसका अर्थ ये लगाया जाता है कि उसके पाप कर्मों का फल समूल नष्ट हो गया है। ये तुच्छ प्राणी समस्त प्रकार के पापों से पूरित हो चुका होता, अन्यथा उसे सर्प का शरीर क्यों प्राप्त होता? उसके फनों पर आपके नाचने से उसके सर्प शरीर से उत्पन्न सारे पापों के फल क्षीण हो चुके हैं। इसलिए यह अत्यंत शुभ है कि आपने क्रोधित होकर उसे इस प्रकार दंडित किया। हम सभी आश्चर्यचकित हैं कि आप इस सर्प पर इतने प्रसन्न क्यों हुए। निश्चय ही इसने पूर्व जन्म में विभिन्न धार्मिक कृत्य किए होंगे और कई प्रकार की तपस्याएं की होंगी, जिनसे सभी लोग प्रसन्न हुए होंगे और उसने समस्त जीवों के लिए विश्वव्यापी कल्याण कार्य किए होंगे।
नागपत्नियां आश्चर्यचकित थीं कि यद्यपि अत्यंत भयानक पाप कर्मों के कारण कालिया को सर्प का शरीर प्राप्त हुआ था, लेकिन तो भी वो कृष्ण के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर रहा था। निश्चय ही ये किसी साधारण पुण्य कर्म का फल नहीं था। इन दो विरोधी तथ्यों से वो विस्मित थी। इसी तरह से वो आगे प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रही हैं। आप ये जान सकते हैं कि ये बेचारा सर्प अपना प्राण त्यागने वाला है। आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के लिए हमारा पति ही सब कुछ होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे पति कालियाना को क्षमा कर दें, क्योंकि यदि ये सर्प मर जाता है तो हम सब घोर संकट में पड़ जाएंगी। आप हम पर कृपा करें और इस परम पापी को क्षमा दान करें। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है, इसलिए आप इसे क्षमा करें। भले ही इसने आपकी शक्ति को जाने बिना आपके प्रति अपराध किया है, हमारी प्रार्थना है कि इसे इस बार क्षमा कर दें। नागपत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने कालिया को अपने पाश से मुक्त कर दिया। कालिया को जैसे ही होश आया, उसने हाथ जोड़कर परम भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ है कि मैं तमोगुण के कारण स्वभाव से क्रोधी और ईर्ष्या से युक्त हूँ। आप भली भांति जानते हैं कि प्राकृतिक स्वभाव को त्याग पाना कितना कठिन है। हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए स्वभाव से ही मैं क्रोधी हूँ। लेकिन आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है? आपकी माया के बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है। आपकी माया से ही हम दास बने हुए हैं। हे भगवान, मेरी इन हरकतों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप चाहें तो मुझे दंड दें या मुझे बचा लें। ये सुनकर बाल रूप श्री कृष्ण ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया, तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। तुम अपने साथ अपनी पत्नियां, पुत्र और अपनी संपत्ति ले जा सकते हो। अब तुम यमुना के जल को दूषित नहीं करोगे। और तब भगवान ने घोषणा की कि कालिया नाग को दिया गया आदेश सब सुन ले, जिससे अब कोई कालिया से ना डरे। जो कोई कालिया दमन की इस कथा को सुनता है, उसे सर्पों के कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान ने ये भी कहा, यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करता है जहाँ मैंने और मेरे ग्वाल बालों ने स्नान किया है, या यदि कोई एक दिन उपवास रख कर इस जल से पितरों का तर्पण करता है, तो वो सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कालिया को भी आश्वासन दिया, तुम यहाँ गरुड़ के भय से भाग कर आए थे, क्योंकि वो समुद्र के निकटवर्ती सुंदर भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उनका आदेश पाते ही कालिया तथा उसकी पत्नियां सुंदर वस्त्र, फूल, माला, रत्न, आभूषण, चंदन, कमल पुष्प तथा फलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगी। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न कर लिया, जिससे वो बहुत भयभीत थे। फिर कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने यमुना झील छोड़ दी। अब प्रश्न ये उठता है कि इन नागों की गरुड़ से क्या शत्रुता थी? गरुड़ से बचने के लिए ये लोग यमुना क्यों आए थे? जानेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा।